की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। किशनपुर में एक युवक के शव को सड़क किनारे रख टेम्पो चालक फरार, विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम और हंगामा। बिहार स्टेट एड मोहम्मद रहमतुल्ला। किशनपुर थाना क्षेत्र में देर शाम सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया है कि टेम्पो चालक द्वारा एक युवक के शव को सड़क किनारे रखकर फरार हो गया, जिसके बाद परिजन का गुस्सा भड़क गया और आक्रोशित परिजनों ने NH 327 सी को किशनपुर में जाम कर प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 30 वर्षीय संजय पासवान करहैया पंचायत वार्ड नंबर 9 निवासी बिलट पासवान का पुत्र था। घटना के विरोध में परिजनों ने किशनपुर बाजार में सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण करीब 2 घंटे तक NH 327 सी पर आवाजाही ठप हो गई। बाद में प्रशासन द्वारा काफी मशक्कत के बाद परिजन को समझा बुझा कर जाम हटवाया गया। बताया गया कि मृतक संजय पासवान के शव को इसराइल नामक एक व्यक्ति ने एक क्लिनिक के पास सड़क पर रखकर फरार हो गया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे। शव को देखते ही परिजनों का गुस्सा फूट गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए और सड़क जाम कर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या चाकू गोद कर की गई है और शव को सड़क किनारे रख अपराधी भाग खड़े हुए। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, चीख पुकार मच गई है। अब हत्या है या दुर्घटना, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल किशनपुर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने इस बात के पूछे जाने पर बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। परिजन द्वारा अब तक आवेदन नहीं दिया गया। आवेदन मिलने के बाद समुचित कार्यवाही की जाएगी।